ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਵਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਆਵਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਿਊ ਐਂਡ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਸ਼ੋ ਚਾਹ ਤੇ ਚਰਚਾ ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਬੈਕ ਤੋ ਇੱਕ ਆ ਰਿਹਾ ਸਪੋਂਸਰ ਉਹ ਰਸਤੇ ਮੇ ਹੈ ਤੋ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ ਸੋ ਵਿਲ ਯੂ ਨੋ ਕੰਟੀਨਿਊ ਵਿਦ ਦ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਮਿਸਟਰ ਓਜਸਵੀ ਸਕੂਟਰ ਪੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸਕੂਟਰ ਪੇ ਆ ਰਿਹਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚਨੇ ਵਾਲਾ ਥੋੜਾ ਸਕੂਟਰ ਉਸਕਾ ਲਿਮਿਟਡ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਤੋ ਭਾਵਨਾਓਂ ਕੋ ਸਮਝ ਜਾਓ ਬਸ ਆਪ ਸੋ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਬੈਸਟ ਥਿੰਗ ਯੂ ਹੈਵ ਹਰਡ ਅਬਾਊਟ ਯੂ ਐਂਡ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਵਰਸਟ ਥਿੰਗ ਯੂ ਹੈਵ ਹਰਡ ਅਬਾਊਟ ਯੂ ਟਿਲ ਡੇਟ ਨਾਓ ਬੈਸਟ ਥਿੰਗ I have heard about me, which is we hai na. Faith. Worst thing about which is we hai na. People are so manipulative. Worst thing unke liye ho jati hai. Mere liye nahi hoti. Mere liye there is no worst thing. What is the next thing you are cooking and you are looking in your projects? Oh, acha cooking. खाना बहुत अच्छा बनाते हो हमें पता चल गया हमारे जो रिसोर्सेज हैं कि ओजस्वी बहुत अच्छा खाना बनाता है दो हमने कभी खाया नहीं है बट पता तो चल गया ये आप ऑन स्क्रीन जितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं ना मुझे लगता है कि अच्छा फिल्म मेकर होने जो होते हैं उन्हें अच्छा कुक भी होना चाहिए वो एक्सपेरिमेंट्स जो कुकिंग में हो सकते हैं मसाला डालना स्पाइस बनाना गार्निशिंग करना तो वो थोड़ा सा एलिमेंट आ जाता है हाउ यू गार्निश और यू प्रेजेंट योर फिल्म बहुत बार प्लेन सॉल्टेड भी पसंद आता है तो खिचड़ी भी अच्छी बनती है और पास्ता भी अच्छा बनता है तो सॉरी आई फॉरगॉट द क्वेश्चन द क्वेश्चन वाज व्हाट नेक्स्ट इज कुकिंग एंड व्हाट नेक्स्ट आर यू लुकिंग अभी आई एम राइटिंग फिल्म्स एंड ऑब्वियसली प्रोड्यूसिंग लॉट ऑफ कंटेंट फॉर द चैनल एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ लॉट ग्रोथ इन द ऑडियंस नाउ लॉट ऑफ पीपल एक्सेप्टिंग अ काइंड ऑफ जॉनर एंड एवरी टाइम हर बार हम कुछ ना कुछ नया करते हैं तो लोग हमें पसंद कर लेते हैं पता लगता है कि कुछ नया करते रहो और जुड़े रहो तो लोग पसंद कर लेंगे तो हम जस्ट ट्राइंग टू डू कोई भी चीज़ करते हो लाइक कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो या कोई भी प्रोजेक्ट फिनिश करते हो यू डो नॉट हैव टू हैव अ सेकेंड थाट फॉर द ऑडियंस परस्पेक्टिव अच्छा लगेगा अच्छा लग भी सकता है नहीं भी लग सकता सो आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं बनाते कि ऑडियंस को अच्छा लगेगा ही लगेगा इट माइट फेल और कोई ऐसा प्रोजेक्ट विच यू डो नॉट वॉन्ट टू वर्क विच आर लेट्स just do it for the sake of doing it or it might boom in the front of the audience so it happens with everyone I guess haan agar hum sochne lag gaye ki kya chalega to fir hum bana bhi nahi payenge theek hai because chalna na chalna it's in your hand mein hai hi nahi humne hamare haath mein kuch bhi nahi hai hamare haath mein wo hai jo hum kar sakte hain agar main kuch soch sakta hu usko dikh sakta hu usko bana sakta hu usko bhi ek team juta sakta hu और उसको बना के प्रस्तुत कर सकता हूँ तो वो मेरे हाथ में है बस अब फीडबैक लेके फिल्में बनाना वो हाँ हो सकता है एक अच्छे टेलीविजन चैनल की पॉलिसी होती हो कि वो देखते हैं स्टडी करते हो लेकिन यार वो मेरी पॉलिसी नहीं है हमारे जैसे लोगों की पॉलिसी शायद ना होती हो या कुछ होगी होती भी होती होगी लेकिन मुझे लगता है वो चीज़ मेरे लिए वर्क नहीं करती जो चीज़ मुझे लगता है कि मेरे स्कूल ऑफ थॉट में फिट कर रही है या जो तरीके से मुझे समझ में आ रही है जिसमें जिस चीज़ को मैं डायरेक्ट कर सकूँगा वो चीज़ मैं बना पाऊँगा ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें चली हैं भी कुछ चीज़ें बहुत चीज़ें नहीं भी चली, नहीं भी चली राइट और वो जो चीज़ें नहीं चली हैं उनकी वजह से हम चले हैं राइट नहीं तो हम रुक जाते हैं अच्छी बना के एक बना के रुक जाते हैं जो नहीं चला उसकी कॉन्स्टेंट स्ट्राइविंग नहीं हमें आगे आगे बढ़ा कॉन्स्टेंट लर्निंग from the projects that have not worked. मैं मेरे दोस्त हैं उनसे फोन पे बात कर रहा था कल तो उन्होंने मुझे कहा कि ये जो कला है ना ये आपको करने पे ही समझ आएगी बातें करने में समझ नहीं आएगी हाँ बातें करने में तो आप बहुत बड़ी फिल्म बना लोगे लेकिन एक्चुअली जब आप बनाने उतरते हो तब आपको हर्डल समझ में आते हैं इसलिए आप कौन है कौन नहीं है कौन बातें बनाता है कौन काम करता है क्लैरिटी क्लैरिटी हाँ क्लैरिटी ऑफ थॉट सबसे इम्पोर्टेंट और बड़ा क्वेश्चन How is Kamal to बहुत बड़ा मतलब इस कमरे से भी बड़ा How is Kamal to you How is Kamal to me Kamal is very overprotective Kamal is very advocative Kamal is very 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 much force feeding in terms of food you would die of eating rather than die of hunger with Kamal Kamal is very talkative Kamal will call me up at the middle of the night and tell me ki paaji mainu a idea aaya and do you actually work on the same idea yes okay. I honestly end up working on
like close to if he gives me 10 ideas, I would really consider Kamal has given me some 2 good ideas. But at least वो 2 अच्छे idea आने के लिए मुझे 8 दूसरे भी सुनने पड़ते हैं. तो Kamal has been with me throughout the journey. So शब्द नहीं मिल रहे आपको? नहीं, शब्द मुझे मिलने भी नहीं चाहिए. जिस दिन मिल गए उस दिन मतलब Kamal should be, you know, out of not words. मतलब ऐसे words नहीं होने चाहिए जो Kamal को define कर सके. तारीफ होगी बहुत. होगी. Thank you जी. Any film that you regret कि यार ये पिक्चर क्यों कर ली यार, ये नहीं करनी चाहिए थी? फिल्म तो नहीं मुझे याद कि मुझे कोई रिग्रेट होगा जो मैंने कोई बनाई होगी. I should regret about it. हाँ, एक सीरियल जरूर था, एक बार हमने शुरू किया था. I was in Bombay, so we were shooting a serial. It didn't work out really well. There wasn't just one, there were 2 serials at that time, almost one after the other. That was a time, you know, I regret doing them. Now I do regret. At that time, so it was the need we had to work. But none of the films. Every film has been a beautiful baby. You enjoy whatever you do. Yeah, absolutely. Chale na chale, you absolutely don't give a shit. If I don't love or enjoy what I do, then I won't do it at all. So, which is the most difficult project so far? आपने you've done ample amount of projects, music videos, films, commercials, short films, documentaries, television show, like you have a gallery of projects in your you know, bag, pocket, whatever we can say. So which was the most difficult projects that you feel ki yaar ye mushkil tha? You don't say the consequences, but karne mein aapko dikkat aayi. I feel every project came with its own share of challenges. Short film will have its own share of challenges. I remember the time we were shooting Zuban, and it was peak summers, and we were shooting in the middle of a village, and it shut down. And we were cycling all the way, and we were shooting all the way. Our unit was running all the way, and then we were shooting a murder sequence, and then the cops came, and you know, you can't just say ki it was easy. It was not easy. Shooting gorilla. And then I remember filming the last date. We were shooting in the middle of the field. It was peak summers, hena. And our protagonist Abhay, he got all tanned down, and he would come up to me and say, "Oh, Jaswee ji, ab bahut garmi." And I said, "Keep rolling," because wo emotion aa raha hai. But he was a daring sport, and he did that. Then when I would mention Roo, the last film we have done. You know, it takes, you know, you held up to your beard for the longest point of time for a short film. And I won't, I would go on record and say this, not many actors would, you know, do this. I remember filming Lucky Kabutar. I was all drenched in fever. I remember that you had to take like back to back pills just to retain your energy. Yeah. And eventually I feel the film should work. Everything would only last temporarily, but you know, now the film hammers it. Now the film has stayed for the longest time. And I remember filming Admitted, which is still running in festivals. My most difficult part was to convince everybody to come on board, because it was a documentary and everybody had to come on board themselves and, you know, talk about what they feel about the issue, and it holds no holds barred. So every project came with its own set of challenges. मुझे लगता है चैलेंज ना डीएनए में ही आ गया है. तो बिना चैलेंज के कुछ लेना ही नहीं है. आसानी से बन जाए ना, तो लगता नहीं कि अब कुछ हुआ है. आप तो ना चैलेंज हो तो फील ही नहीं होता कि आपने कोई पिक्चर बनाई है. So sir, one advice, because this is the last question for today. One advice you would like to give to all the budding, and new filmmakers who want to enter into this industry, who want to, you know, direct something or make new projects. वो क्या चीज़ है जो उनको बस ले आए? ये last question है. देखो, सबसे पहले तो वो समा वैसा नहीं रहा है कि आपको एक सिटी से आपको मुंबई जाना पड़ेगा, आपको दिल्ली जाना पड़ेगा. आप इंडिया के किसी भी रीजन में रह रहे हैं, आज आपके पास कैमराज अवेलेबल हैं, आज आपके पास इंटरनेट स्पेस अवेलेबल है, तो आप अपना काम कर सकते हैं आप बना के. और दूसरी चीज़ ये है कि कोलैबोरेट करने से कभी ना डरें. बहुत चीज़ें कोलैबोरेशन से आपको एक्सपीरियंस मिल सकता है, कोलैबोरेशन से आपको अलग अलग एज ग्रुप का तजुर्बा मिल सकता है, आपको बहुत टाइप की वैरायटी ऑफ नॉलेज मिल सकती है. तो एक कोलैबोरेट करने से ना डरें कि हाँ, हमने एक टीम के साथ काम कर लिया, फिर हम दूसरी के साथ नहीं कर सकते, हम किसी के साथ नहीं कर सकते. तीसरा, लोगों की ओपिनियन से बाउंड ना हो.
लोग क्या कहते हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपको. अगर आपको कोई चीज़ पसंद आती है, इफ़ यू आर कन्विंस दैट दिस इज़ व्हाट आई कैन डू बिकॉज यू नो योर पल्स बेटर देन एनीबडी एल्स वुड डू, तो जो आप अच्छा काम कर सकते हैं. मैं अगर अच्छी कुल्फी बना सकता हूँ तो मैं अच्छी कुल्फी ही बनाऊँगा, मैं हलवा नहीं बनाऊँगा. हो सकता है मैं वो बनाऊँ तो मैं अच्छा ना बना पाऊँ. तो जो मेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं अगर मैं उन पर काम करूँ तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगा, फिर मैं एक डाइवर्सिफिकेशन प्रोसेस पर काम कर सकता हूँ. और बस यही है, एक अपना वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करके चले बिकॉज लोग इतने ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं काम करने के पीछे कि बाकी ये फेसेट्स वो अवॉइड कर भूल जाते हैं. हाँ, बट ये नहीं रियलाइज़ करते कि ज़िंदगी निकल गई आगे. तो अगर आप इन चीज़ों पे जुड़े रहें तो आई फील अगर आप अपना पैशन भी परस्यू कर सकते हैं और उसमें आप एक अच्छे फिल्म मेकर भी बन सकते हैं. और थोड़ा सेंसिबिलिटीज के साथ काम करें, कुछ भी मत बनाइए. हाँ, कुछ भी चलता है इस देश में, और कुछ नहीं भी हो वो भी चलता है, और बहुत कुछ भी चलता है. तो आई थिंक दैट विल बी इट. और अब मेरा भी मुझे मजा आ गया सर. व्हाट एन आंसर, वी लव योर आंसर. जाने का टाइम हो गया. वन सेकंड, जस्ट अ सेकंड. या हेलो, हैं मिल गया, आया दो मिनट आया मैं. सर वी गॉट अ स्पॉन्सर. सो गाइस हमें स्पॉन्सर मिल गया, हमें इस एपिसोड को खत्म करना पड़ेगा. अगले शो में आपके पास बहुत जल्दी आते हैं एक नया स्पॉन्सर लेके. थैंक यू सर, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस. मेरी पेमेंट लेते हैं हम. ओह थैंक यू, थैंक यू.